हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर लिटरेरी चैनल एकेडमिक डोमेन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक रामानुजन की पोएम द ब्लैक हेन का लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन एंड एनालिसिस किया जाएगा। और दोस्तों, अगर आप इसी पोएम का एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक को क्लिक कीजिए। और दोस्तों, अगर आप एके रामानुजन के बारे में या इनकी पोएट्री के बारे में क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो theacademicdomain.com पर विजिट कीजिए। दोस्तों, इस जैसा कि पोएम का टाइटल द ब्लैक हेन है, तो द ब्लैक हेन जो है ये पोएट्री का मेटाफर है, यानी पोएट्री के लिए ब्लैक हेन को यूज किया गया है इस पोएम में। तो पोएम को देखते हैं, इट मस्ट कम एज लीव्स टू अ ट्री। तो ये ऐसे आना चाहिए जैसे पेड़ों को पत्तियां आती हैं। इट यहाँ पर पोएट्री के लिए यूज़ किया है, यानी पोएट्री ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल नेचुरल होनी चाहिए, जैसे पेड़ों को पत्तियां नेचुरली आ जाती हैं, और नॉट एट ऑल, या तो फिर ये कभी कंपोज ही नहीं होना चाहिए, या तो फिर ये नहीं होना चाहिए। फिर पोएट बोलता है कि इट कम्स समटाइम्स एज द ब्लैक हेन विद द रेड राउंड आई। फिर पोएट बोलता है कि इट कम समटाइम्स, लेकिन कभी कभी ये ऐसा आती है। कैसे आती है? एज द ब्लैक हेन, जैसे कि काली मुर्गी आती है विद द रेड राउंड आई, जिसकी आंखें क्या है, गोल हैं और रेड हैं और लाल हैं। तो पोएट बोलता है कि एक तो जो है पोएट्री नेचुरल होनी चाहिए, और दूसरी बात पोएट बोलता है कि लेकिन कभी कभी इसको मेहनत करके भी कंपोज किया जाता है। तो रेड राउंड आई का मतलब कि रेड आई का मतलब क्या है? मेहनत करके कंपोज करना। जब आप बहुत मेहनत से पढ़ते हैं कभी रातों में जग कर, तो अक्सर आंखें लाल हो जाती हैं। तो पोएट वही बोलता है कि कभी कभी तो ये नेचुरल आती हैं, नेचुरल आनी चाहिए, या फिर कभी कभी ये ऐसा भी होता है कि बहुत मेहनत करके एक पोएट पोएम को कंपोज करता है। फिर पोएट बोलता है कि ऑन द एम्ब्रॉयडरी स्टिच बाय स्टिच ड्रॉप्ड एंड फाउंड अगेन। और ऑन द एम्ब्रॉयडरी, हम जानते हैं कढ़ाई करना, स्टिच बाय स्टिच जो उसको सिला जाता है। तो पोएट बोलता है कि जब पोएट्री जब बहुत मेहनत से कंपोज की जाती है, जब एक पोएट एक प्लान करके जब कोई पोएम कंपोज करता है, तो उसको क्या करता है, एम्ब्रॉयडरी की तरह, जैसे जब हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो बहुत ही केयरफुल रहते हैं उसकी फिनिशिंग को लेकर, कि किस तरह से उसकी सिलाई करनी चाहिए, किस तरह से कढ़ाई करनी चाहिए। तो पोएट भी इसी तरह से जब एक प्लान के साथ जब वो पोएम को कंपोज करता है, लिखने बैठता है, तो ऐसे बहुत ही प्लान के साथ बहुत ही जो है मेहनत से इसको पॉलिश करता है, जैसे कि एम्ब्रॉयडरी की जाती है, वो भी ऐसे उसको बहुत ही मेहनत से पॉलिश करने की कोशिश करता है। एंड व्हेन इट्स ऑल देयर, और फिर पोएट बोलता है कि और जब एक पोएम कंपोज हो जाती है, जब एक पोएम वजूद में आ जाती है, फिर द ब्लैक हेन स्टेयर्स। अब यहाँ पर ब्लैक हेन, जैसा कि मैंने कहा कि पोएट्री का मेटाफर है, तो ब्लैक हेन क्या करते हैं, स्टेयर्स घूर कर देखती है विद इट्स राउंड रेड आई। कैसे? अपनी लाल आँखों से, अपनी गोल और लाल आँखों से घूर कर देखती है, यानी जब एक पोएम हो जाती है, जब वो बहुत मेहनत से, जैसे कि मैंने कहा रेड आई एक जो है ये इसलिए ये शो करता है कि बहुत मेहनत उसके पीछे हुई है। तो जब वो बहुत मेहनत से एक पोएम कंपोज हो जाती है, तो उसके बाद वो क्या करती है, उसको एक एक्सपेक्टेशन होती है, वो उसको एक डर होता है। एंड यू आर अफ्रेड, यू यहाँ पर पोएट के लिए यूज़ किया गया है, कि पोएट को उसके बाद एक डर सा होता है। वो डर क्या होता है, कि उसकी पोएम को जो है अप्रिशिएट किया जाएगा या उसको क्रिटिसाइज किया जाएगा।